हेलो ऑल माय स्टूडेंट्स, आज के सेशन टॉपिक करना हूँ। लेट अस प्रोनाउन है क्या जानेंगे, प्रोनाउन है क्या? तो प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल हम लोग वाक्य में नाउन के जगह। अब सवाल उठता है कि जो प्रोनाउन शब्द है इसका इस्तेमाल हम लोग नाउन के जगह, ऑब्वियस सी बात है, अवॉइड रिपीटेशन। तो वाक्य में नाउन की पुनरावृत्ति बार बार ना हो, इस चीज से बचने के लिए हम लोग नाउन के जगह जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं नाउन है। अब दूसरा सवाल है, सेंटेंस में हम प्रोनाउन को किस तरह इस्तेमाल करते हैं? तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि नाउन का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में करते और ऑब्जेक्ट के रूप, क्योंकि हम लोग प्रोनाउन जो शब्द है का इस्तेमाल हम लोग नाउन के बदले कर रहे हैं, इसलिए प्रोनाउन का इस्तेमाल भी हम लोग सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट के रूप। तो पहला चीज प्रोनाउन के संबंध में ये जानना है कि प्रोनाउन ऐसे शब्द है का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में नाउन के बदले करते हैं। So that means we can say a pronoun is a word used in place of, मैं लिखता हूं pronoun is a word used in place of a, पहला चीज प्रोनाउन वैसे शब्द है जिसका इस्तेमाल हम लोग नाउन के बदले कर, नाउन के बदले। दूसरा दूसरा जैसे मैंने बताया इसका इस्तेमाल हम लोग नाउन के बदले क्यों करते हैं, टू अवॉइड रिपीटेशन। इट इज यू अवॉइड रिपीटेशन, इट इज यूज टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ तीसरा चीज मैंने बताया तीसरा चीज जो मैंने बताया ये प्रोनाउन सेंटेंस में किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एक सब्जेक्ट के रूप में और दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप। तो लिख सकते हैं एक्स है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक्स है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑफ द सेंटेंस। तीन पॉइंट बेसिकली, ये तीन पॉइंट को आपको समझना है, प्रोनाउन है क्या, क्या प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग नाउन के बदले और प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में किस रूप में। देयर थ्री पॉइंट्स। अब ये नोट डाउन कीजिए, देखिए मैं एग्जाम्पल के सहारा से दिखा रहा हूं। आई टॉट
देखिए तो आई है ये प्रणाम, और ये जो सेंटेंस है सेंटेंस में किस रूप में इस्तेमाल हुआ है, एक्ट सेज जो टॉट है हर्ब है, और ये तो हर है, हर भी नाउन है, तो यहां हर किस रूप में इस्तेमाल हुआ, ये हर ऑब्जेक्ट के रूप, कहने का मतलब है सेंटेंस के थ्रू मैं समझाना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने बताया था प्रनाउन वैसे शब्द है का इस्तेमाल हम सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूप में, जैसे मैंने यहाँ जो आई है ये प्रनाउन है, और इस प्रनाउन सेंटेंस में ये जो प्रनाउन है ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और यहाँ जो हर है ये भी प्रनाउन है, ये जो हर है इस हर का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहने का अर्थ है प्रनाउन को हम लोग दोनों रूप में सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते और ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते, और ये जो जितने भी प्रनाउंस है ये प्रनाउन का हम लोग इस्तेमाल सेंटेंस में अलग अलग केस में करते हैं, जैसे ये अलग अलग फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई है ये हम लोग कह सकते हैं कि आई जो प्रनाउन है ये सब्जेक्टिव केस में है, और जो ये हर जो ऑब्जेक्ट है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में, अगर मैं बताऊंगा प्रनाउन का कितने रूप में हम लोग सेंटेंस इस्तेमाल, मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ और इसमें मैं दिखाता हूँ कि जैसे कि मैंने बताया कि सेंटेंस में नाउन के जगह हम लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे प्रनाउन करते हैं, मैं एग्जाम्पल तो आपको दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल देख एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन हेल्प मैं सेंटेंस लिखा मोहन हेल्प गीता टू द वर्क, इस सेंटेंस में हम लोग देखते हैं जो मोहन है नाउन है, तो मोहन की जगह हम लोग प्रनाउन क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जगह हम लोग प्रनाउन ही, इसके बाद गीता भी नाउन है, तो गीता की जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करें क्योंकि लड़की है, हमने इस्तेमाल किया, तो यहां देखिए द वर्क नाउन वर्क है ये, तो वर्क जैसा कि मैंने नाउन में बताया था ये अनकाउंटेबल नाउन है, नाउन है तो वर्क के लिए भी हम लोग प्रनाउन क्या इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस क्या हो जाएगा ही हेल्प, यहां सी नहीं इस्तेमाल करेंगे क्यों, क्योंकि अब वर्ब के बाद और यहां सी नहीं इस्तेमाल करेंगे, यहां हम लोग हर इस्तेमाल करेंगे, मैं बता रहा हूं क्यों हर, ये सेंटेंस हो गया ही हेल्प्ड हर टू इट, पहले वाला सेंटेंस को जहां जहां पे नाउन था नाउन के जगह मैंने प्रनाउन का इस्तेमाल किया, मोहन मोहन के जगह मैंने ही लगाया, वर्ब एज इट इज मैंने उतार दिया, हेल्प्ड ये वर्ब है, गीता के जगह हर टू डू नॉन फिनाइट वर्ब इसको मैं छोड़ दिया, और वर्क
वर्क मैंने ये, तो यहाँ ही भी प्रोनाउन है, हर भी प्रोनाउन है और यहाँ इट। तो आप देख रहे हैं पहले वाला सेंटेंस में नाउन, मोहन, गीता, वर्क, ये तीनों के लिए मैंने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया, अलग अलग प्रोनाउन का। मोहन, मोहन क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ, सब्जेक्ट के रूप, इसलिए प्रोनाउन का भी हम लोग का सब्जेक्टिव फॉर्म को हमने इस्तेमाल किया। हेल्प्ड यहाँ वर्ब है, यहाँ देखिए गीता नाउन है, गीता नाउन के यहाँ हमने सी नहीं, क्योंकि सी तो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, ये गीता के लिए हमने हर ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव यहाँ, क्योंकि गीता यहाँ ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद है, ऑब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन भी इसके जगह जो प्रोनाउन मैंने इस्तेमाल किया वो भी ऑब्जेक्ट फॉर्म। और यहाँ जो वर्क, वर्क जो है, वर्क भी यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो वर्क के लिए भी मैंने, क्यों चूंकि ये नाउन है इसके लिए मैंने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया, हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो होपफुली इस सैंपल के थ्रू आप समझ गए होंगे जो मैंने कहा था, प्रोनाउन वैसे शब्द है जिसका इस्तेमाल हम लोग वाक्य में। अगला मैं एग्जांपल दिखाता हूं, एग्जांपल नेक्स्ट, द लायन लिव्स इन, द लायन लिव्स इन, ये सेंटेंस देखिए, यहां नाउन कौन सा है, द लायन नाउन हो, ये किस रूप में इस्तेमाल हुआ, यहां सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो, लिव्स ये वर्ब है, डैन नाउन, चलिए इसके बदले में प्रोनाउन का इस्तेमाल करता हूं। तो यहां जो लायन, लायन जानवर है, तो सब्जेक्ट का काम करे तो लायन शब्द के लिए हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे इट। हर वैसी रहेगा, तो लायन के मैंने क्या इस्तेमाल किया, द लायन के लिए ईट का इस्तेमाल, जानवर है, जानवर के लिए हम लोग ही प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जनरली जनरली हम लोग ईट का इस्तेमाल करते हैं। बट कोई स्टोरी बुक्स में आप देखे होंगे जहां जानवर को एक हम लोग कैरेक्टर के रूप में जहां पेश करते हैं, वहां जानवर के लिए प्रोनाउन हम लोग ही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, द लायन है ना, कि हम लोग ही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर उसको कैरेक्टर के रूप में हम लोग स्टोर या किसी सेंटेंस में हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं कैरेक्टर के, तो जानवर के लिए भी हम लोग ही का इस्तेमाल करते हैं, बट जनरली जानवर के लिए हम लोग इट शब्द का इस्तेमाल। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, द बेबी क्राइड लाउडली, एग्जाम्पल देखिए, द बेबी क्राइड लाउडली, सेंटेंस में देखिए बेबी, बेबी यह नाउन है, क्राइड वर्ब है, आउटली एडवर्ब है, तो इस सेंटेंस में ये बेबी के लिए हम लोग प्रोनाउन क्या इस्तेमाल करें, ये बेबी के लिए प्रोनाउन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल कर, इट क्या हो जाएगा, इट प्राइड। अब सवाल उठता है बेबी, बेबी जो शब्द है ये बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है, जेंडर हमको एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा, तो वैसे सब
में जेंडर जेंडर के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन पता नहीं चलता है, वैसे नाउन के लिए हम लोग प्रनाउन के रूप का इस्तेमाल, बेबी का बेबी के जगह ये बेबी नाउन है, इसके जगह जो हमने प्रनाउन का इस्तेमाल किया इट का इस्तेमाल, प्राइड आउडली। अगला एग्जांपल देखते हैं, was busy in the project, the teacher was busy in the project। सेंटेंस में देखिए द टीचर में टीचर नाउन है, टीचर नाउन है, टीचर लड़का भी टीचर हो सकता है, लड़की भी टीचर हो सकती है, तो मेल फीमेल दोनों टीचर, तो इसके लिए हम लोग ही भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं, बट जनरली वैसे शब्द में तो क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है कि हम जनरली प्रनाउन के रूप में हम लोग का इस्तेमाल, यहाँ ही और सी दोनों सही है बट जनरली हम लोग ही का इस्तेमाल करते हैं प्रनाउन के रूप, क्या हो जाएगा ही वाज द टीचर, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, प्रनाउन का भी अगर नाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो उसके बदले जो प्रनाउन इस्तेमाल करेंगे प्रनाउन भी सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, ही वाज बिजी द प्रोजेक्ट, टीचर के लिए ही सी दोनों सही रहेगा बट जनरली हम लोग ही का इस्तेमाल। अगला चाइल्ड मैड mischief, child mad, यहां देखिए noun noun है, इसके लिए हम लोग pronoun क्या इस्तेमाल करें, child बच्चा, तो भी boy child भी हो सकता है girl child भी हो सकता है, इसके लिए भी हम लोग प्रनाउन के रूप में एज ए प्रनाउन, एज ए प्रनाउन इसके लिए हम लोग शब्द का इस्तेमाल, क्या हो गया चाइल्ड के बदले हमने इस्तेमाल किया, होपफुली आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं प्रनाउन कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रनाउन, अब हम लोग देखते हैं प्रनाउन कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रनाउन, टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ प्रनाउन के प्रकार। तो पहला जो प्रनाउन है वो है पर्सनल प्रनाउन, तो पर्सनल प्रनाउन, तो पर्सनल प्रनाउन वैसे शब्द है का इस्तेमाल हम लोग नाउन के बदले करते हैं जो स्थान से संबंधित होती है। तो पर्सनल प्रनाउन को भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, एक पर्सनल प्रनाउन और इसमें पर्सनल प्रनाउन, पर्सनल भी होता है प्रनाउन जो होता है, पर्सनल प्रनाउन में दो तरह का पर्सनल प्रनाउन को दो रूप से हम लोग ट्रीट करते हैं, एक पर्सनल प्रनाउन और एक इम्पर्सनल प्रनाउन, पर्सनल
ये आपको समझना पड़ेगा कौन सा पर्सनल है और कौन सा इम्पर्सनल है। जैसे कि मैंने कहा कि पर्सनल प्रोनाउन वैसे शब्द है जिसका इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में नाउन के बदले इस्तेमाल करते हैं और जो इंसान से संबंधित रहते हैं, यानी कि इंसान का कुछ नाम होगा तो वो यदि नाउन अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है और उसके बदले यदि किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ हो, वो यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के रूप में ट्रीट, जैसे पर्सनल प्रोनाउन के रूप में हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, एग्जांपल आई इट और ये जितने भी प्रोनाउन है ये पर्सन तो जो नाउन डिनोट करता है उनके जगह पे ये इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आई वी यू और दे, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन का सैंपल है। तो जैसे आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में, यू ये सेकेंड पर्सन में आता है, और ही सी दे ये तीनों तो ये थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है। आई भी फर्स्ट पर्सन में आता है, यू सेकेंड पर्सन में आता है, और ही सी और दे थर्ड पर्सन में। तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है, जैसे जो स्पीकर होता है, जैसे मैं जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जिसको वो बोल रहा है, जिस व्यक्ति को वो बोल रहा है वो सेकेंड पर्सन हुआ, और जिस जो व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है वो थर्ड पर्सन हुआ। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं लिख रहा हूं कि आई टोल्ड हिम या डूइंग द वर्क, आई टोल्ड हिम दे आर डूइंग द वर्क, मैं देखिए आई ये सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, ये जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, टोल्ड वर्ब है, यहाँ हिम ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, यहाँ जो हिम है ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन, आई टोल्ड हिम मैं को बोला, तो उसको क्या बोला, दे आर डूइंग द वर्क, तो वो लोग काम कर रहे हैं, तो ये जो दे है यहां थर्ड पर्सन, आई टोल्ड हिम दे आर डूइंग द फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर है, और जिसको बोल रहा है वो सेकंड पर्सन हुआ, जिसके बारे में जिसके संबंध में बोला जा रहा है थर्ड पर्सन। तो आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, यू सिंगुलर प्लूरल, तो दोनों रूप में इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस, ही सी ये तीनों सिंगुलर है, और जो दे है ये प्लूरल है। नोट डाउन कर लीजिए, मैं दिखाना चाहता हूँ, ये के बारे में समझाना चाहता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय, हम लोग कैसे पहचानेंगे पर्सनल और इम्पर्सनल क्या डिफरेंस है। जैसे इट,
जो प्रनाउन है, तो इट का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में पर्सनल प्रनाउन और इम्पर्सनल प्रनाउन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इट का इस्तेमाल, इट जो है पर्सनल प्रनाउन, का पर्सनल प्रनाउन और इम्पर्सनल प्रनाउन दोनों रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो दिखाते हैं, एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, द लायन द, में द लायन में जो लायन शब्द है ये नाउन है, किल्ड वर्ब है, द बॉय में बॉय भी नाउन है। तो लायन शब्द के लिए, क्योंकि जानवर है, तो लायन शब्द के लिए मैं प्रनाउन क्या यूज करूंगा, इट इस्तेमाल करूंगा। इट के लिए मैंने प्रनाउन इस्तेमाल किया, तो इट द, तो ऊपर वाला सेंटेंस में देखिए, जो लायन द लायन नाउन है, लायन इस सेंटेंस में किस रूप में इस्तेमाल हुआ, ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल, सब्जेक्ट एक्ट एज सब्जेक्ट। तो द लायन की जगह मैंने प्रनाउन का क्या इस्तेमाल किया, इट का इस्तेमाल, इट का इस्तेमाल, यानी कि इस सेंटेंस में जो इट है ये सब्जेक्टिव के सब्जेक्ट की तरह काम कर, एक्ट एज सब्जेक्ट। तो यहाँ जो इट है, अब ये बताइए, इट ये पर्सनल है या इम्पर्सनल है? यहाँ इट पर्सनल प्रनाउन के रूप क्या है, पर्सनल प्रनाउन। यहाँ इट जो है पर्सनल प्रनाउन। कहने का अर्थ है, यदि सेंटेंस में इट का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में, दैट केस ओनली, जब सेंटेंस में इट सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो उसे हम लोग पर्सनल प्रनाउन कहते हैं। ऐसे नहीं, अगर इट शब्द अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, तो कभी पर्सनल प्रनाउन हो ही नहीं सकता, केस में उसे हम लोग पर्सनल प्रनाउन कहेंगे। एक सेंटेंस का एग्जांपल देके मैं आपको समझा रहा हूं, तो मोटा मोटी ये बात आपको समझ में आया कि नहीं। इट जो शब्द है का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में पर्सनल प्रनाउन के रूप में भी करते हैं और इम्पर्सनल प्रनाउन के रूप में भी। तो जैसे कि मैंने सेंटेंस के थ्रू समझाने का कोशिश किया कि जब इट शब्द का इस्तेमाल सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, तो इट को हम लोग क्या मानेंगे, पर्सनल प्रनाउन। और इट का इस्तेमाल यदि सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट के रूप में भी होगा, फिर भी उसको हम लोग पर्सनल प्रनाउन। कहने का अर्थ है, ये समझिए, इट का सब्जेक्ट, इट का इस्तेमाल सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट के रूप में हुआ है या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में, तो वहां हम लोग इट को पर्सनल प्रनाउन मानेंगे। भाई इम्पर्सनल कैसे हो, इम्पर्सनल एक सेंटेंस देखिए, इज आई हु, इट इज आई हु हेल्प्ड, ये सेंटेंस देखिए, इट इज आई हु helped her। तो इस सेंटेंस में देखिए, helped क्या है, वर्ब है, her प्रनाउन है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आई क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। Who क्या है,
रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव, इट इज आई हू हेल्प्ड हर। तो इस सेंटेंस में ये इट सब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आई है। ये इट का इस्तेमाल हम लोग डमी के रूप में किए, डमी सेंटेंस में जो इट है इम्पर्सनल प्रोनाउन, क्या है, पर्सनल। तो अब समझ में आ गया इम्पर्सनल प्रोनाउन है। इस सेंटेंस में, सेंटेंस में यदि इट का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में नहीं हुआ तो फिर वो इम्पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। सेंटेंस में इट इज आई हू हेल्प्ड हर, सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट नहीं है, इट यहाँ डमी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यहाँ इट जो है पर्सनल प्रोनाउन। अगला एग्जांपल देख, आई विल, आई विल डू इट, आई विल डू इट। आई क्या है, प्रोनाउन है और सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। विल डू वर्ब है, इट क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहां इट बताइए पर्सनल है या इम्पर्सनल, ऑब्वियस बात है ये पर्सनल प्रोनाउन। जैसा कि मैंने कहा था यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है पर्सनल, और सेंटेंस में यदि इट का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में नहीं हुआ है क्या है, पर्सनल। होपफुली पर्सनल प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा। तो जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन से आते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में जितना भी प्रोनाउन है इन सारे प्रोनाउन को सेंटेंस में हम लोग चार फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, चार रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये चार रूप क्या है, पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं है आपको एग्जाम्पल के तौर पर, और पॉजिटिव केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है उसका पॉजिटिव केस भी दो रूप में होता है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है और एक पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। चलिए इसका फॉर्म को जानना जरूरी है, ये पर्सनल प्रोनाउन का फॉर्म्स को हम लोग फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, फॉर्म्स ऑफ होपफुली आप पर्सनल और इम्पर्सनल, इट सेंटेंस में कहाँ पर्सनल प्रोनाउन होगा और इम्पर्सनल होगा ये होपफुली अच्छी तरह से इसको आप समझ गए होंगे, कंफ्यूजन नहीं होने का। अब फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस में देखिए, कोई भी पर्सनल प्रोनाउन है उसको चार फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव में भी दो, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव। तो टेबल बनाया जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव केस में भी पॉजिटिव, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे फर्स्ट पर्सन में जैसे आई है,
आई सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, आई और पॉजिटिव प्रोनाउन, तरीके से वी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा अस, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा आवर, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा आवर्स। कद यू सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव योर और पॉजिटिव प्रोनाउन योर्स। तरीके से थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्ट हिम का पॉजिटिव एडजेक्टिव इज पॉजिटिव प्रोनाउन भी होगा, तो पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव केस हर, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हर होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन हर्स। इस प्रकार दे पॉजिटिव एडजेक्टिव, them पॉजिटिव एडजेक्टिव, their पॉजिटिव प्रोनाउन theirs। प्रकार it ऑब्जेक्ट भी होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव its और इसका, ये सारे फॉर्म है। एग्जाम में जो पर्सनल प्रोनाउन से जो क्वेश्चंस आएंगे, ये फॉर्म में एरर, जनरली एरर के फॉर्म में दिया जाता है, तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और पॉजिटिव फॉर्म में कौन सा पॉजिटिव एडजेक्टिव और कौन सा पॉजिटिव, तो हम लोग कैसे डिस्टिंग पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस, पहले नोट डाउन कर लीजिए, क्या मैं दिखाता हूँ पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। अगर मैं लिखता हूं माय, अगर मैं यहां लिख रहा हूं दिस इज माय, सेंटेंस से कुछ आपको पता चल रहा है कंप्लीट, तो मैं अगर मैं लिखता हूं दिस माय कंप्लीट, क्या मेरी कलम, यहाँ जो पेन है ये नाउन है और ये जो माई है ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन किस फॉर्म में है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव। मतलब नाउन के पहले, ये नाउन के, नाउन का पोजिशन संबंध दर्शा रहा, आधिकारिक संबंध को ये दर्शा रहा, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम लोग जस्ट नाउन के पहले करते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव का अगर इस्तेमाल किया ना, नाउन का इस्तेमाल किया सेंटेंस मीनिंग नहीं बन सकता। जैसे अगर मैं यहाँ नाउन मैं पहले लिखा था, जैसे दिस इज माई, माई अनकम्प्लीट सेंस दर, यहाँ जब तक हम लोग नाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक ये सेंटेंस का कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। यहाँ जैसे मैंने नाउन पेन जोड़ दिया तो दिस इज माई पेन, या मेरी कलम है, तो ये पेन के साथ मेरा मालिकाना संबंध है। यहाँ जो माई है ये प्रोनाउन है, बट किस केस में, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव
पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम लोग नाउन के जस्ट पहले हम लोग इस्तेमाल, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एन इज माइन, दिस पेन इज माइन। यहां देखिए जो माइन शब्द का हम लोग इस्तेमाल किया है माई एनी, तो माइन भी प्रोनाउन है, बट प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो पॉजिटिव प्रोनाउन एक बार लग गया तो फिर इसके बाद नाउन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। बट रिमेंबर वन थिंग, जैसे ही हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे सेंटेंस, नाउन का रिक्वायरमेंट है, अगर नाउन नहीं डालेंगे तो ये कंप्लीट सेंस देगा पहले वाला सेंटेंस में, दिस इज माय पेन, तो नाउन के पहले जस्ट पहले मैंने माय लगाया, ये भी प्रोनाउन है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो। दूसरा वाला सेंटेंस में दिस इज माई, दिस पेन इज माइन, तो ये जो नाउन के बाद लास्ट में जो मैं माइन लगाया, माइन प्रोनाउन है, बट प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म है, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन लगाने की आवश्यकता। होपफुली आप पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है समझ गए होंगे। पर्सनल प्रोनाउन, आप पर्सनल प्रोनाउन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन, ये आप समझ गए, पॉजिटिव प्रोनाउन आपने समझ गया। एग्जांपल आई, मैं, माय, माइन, योर, योर्स, सारे पॉजिटिव प्रोनाउन आते हैं। दूसरा डिमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में हम लोग दिस दैट दिस दोज का इस्तेमाल करते हैं। दैट डिमोंस्ट्रेटिव का मतलब है डिमोंस्ट्रेशन देना, व्याख्यान करना, वस्तु को दर्शाना। दैट और दिस दोज सारे शब्दों का इस्तेमाल हम लोग डिमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप। फोर्थ वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो आपसी संबंधों को हम लोग दर्शाने के लिए करते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर वन अनदर, each other और one another, each other one another, ये दोनों का इस्तेमाल हम लोग reciprocal pronoun के रूप में करते हैं। तो जो each other है ये दो दो व्यक्ति के बीच का personal relationship को दर्शाता है, और one another more than two, more than a mutual relationship को दर्शाने के लिए one another का करते हैं, more than two और वन अनदर। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एनी इधर नीधर, इधर एनी इधर नीधर का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं। वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन,
और सेवेंथ वन इज स्टैटिक। स्टैटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पैटिक। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पैटिक प्रोनाउन के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, माई सेल्फ, सेल्फ, जितने भी पर्सनल प्रोनाउन उसमें सिंगुलर में सेल्फ लगाएंगे और प्लूरल में सेल्फ्स लगाएंगे, देमसेल्फ्स। और इम्पैटिक प्रोनाउन के रूप में भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, माई सेल्फ, themselves, ourselves, शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल उठता है कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे, अगर सपोज कीजिए मैं माई सेल्फ का इस्तेमाल किया हूँ, ये माई सेल्फ और ये सारे का इस्तेमाल दोनों रूप में होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में भी होता है और इम्पैटिक प्रोनाउन के रूप। तो अब हम लोग कैसे डिस्टिंग करेंगे कौन वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन वाला इम्पैटिक प्रोनाउन, इसके लिए मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सेंटेंस, आई डिड द वर्क माई सेल्फ। दूसरा, आई माई सेल्फ डिड द, दो सेंटेंस दे, पहला मैंने लिखा आई डिड द वर्क माई सेल्फ, आई डिड द वर्क माई सेल्फ। दूसरा मैं लिखा आई माई सेल्फ डिड द वर्क। देखिए दोनों जगह मैंने माई सेल्फ का, यहाँ भी माई सेल्फ, यहाँ भी। सेंटेंस में देखिए यहाँ आई क्या है, आई सब्जेक्ट, डिड वर्ब, यहाँ द वर्क ऑब्जेक्ट है, नाउन है, द वर्क नाउन है, बट इस सेंटेंस में इस वर्ब का ऑब्जेक्ट का रूप, ऑब्जेक्ट का काम कर। मैं जो माई सेल्फ यू क्या हूं, तो आई डिड द वर्क, मैंने ये काम किया था, जो काम किया था तो कैसे काम किया था? तो ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब को मैं इस सेंटेंस में रिफ्लेक्सिबली I did the work myself. तो मैं काम किया हूं, काम का क्रेडिट सब्जेक्ट के ऊपर जा रहा है। तो ये वर्ब को मैं सेंटेंस में, जो वर्ब है ये वर्ब डिड, तो मैं रिफ्लेक्सिबली, देखिए वर्ब के बाद मैं myself लगाया, myself क्या है, रिफ्लेक्सिव। मतलब कोई भी सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया जाता है और अगर कार्य का इफेक्ट अगर सब्जेक्ट पे पड़ता है, तो वर्ब को हम लोग रिफ्लेक्सिबली यूज करते हैं। हाँ देखिए माइसेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, बट यहाँ नीचे वाला सब्जेक्ट में देखिए यहाँ आई क्या है, सब्जेक्ट, और आई के बाद मैं माइसेल्फ का इस्तेमाल कर, मैं अपने आप बताऊ आई माइसेल्फ डिड द वर्क, तो आई शब्द के ऊपर यहां इंपेसिस दे रहा हूं मैं, पेठिक, पेठिक जब इंपेसिस से बना, इंपेसिस मतलब दबाव, के ऊपर मैं
जोर दे रहा, आई माई सेल्फ डिड द वर्क, मैं खुद किया हूँ काम, अपने आप किया हूँ मैं, तो ये आई के ऊपर ये दबाव दिया जा रहा है। तो यहाँ जो माई सेल्फ है ये इम्पेटिक प्रनाउन के रूप, इम्पेटिक दोनों माई सेल्फ दोनों सेम है, बट सेंटेंस में इसका यूज के सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में, सेंटेंस में देखिए ये माई सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रनाउन है और नेक्स्ट वाला सेंटेंस माई सेल्फ क्या है, तो रिफ्लेक्सिव प्रनाउन और इम्फेटिक प्रनाउन, ये कहाँ ये रिफ्लेक्सिव प्रनाउन का काम कर रहा है और कहाँ यहाँ सेम वर्ड्स का इस्तेमाल हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रनाउन के रूप में भी करते हैं और इम्फेटिक प्रनाउन, बट यह हमको पहचानना आइडेंटिफाई करना है कहाँ ये रिफ्लेक्सिव है और कहाँ, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए वर्ब आई डिड द वर्क, मैंने काम किया, तो ये जो काम किया है काम का श्रेय जो है वो तो सब्जेक्ट के ऊपर जा रहा है, ये वर्ब को हम लोग रिफ्लेक्सिवली यूज वर्ब के लिए, ये रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। दूसरे सेंटेंस में देखिए आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पे मैं भार दे रहा हूँ, या माइसेल्फ जो है, होपफुली आप रिफ्लेक्सिव और इम्पेटिक प्रनाउन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। डाउन कीजिए, अब हम लोग देखते हैं रिलेटिव प्रनाउन, रिलेटिव शायद आठ नंबर रिलेटिव, रिलेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव पढ़ाऊंगा इसको, रिलेटिव प्रनाउन पहले देख लीजिए। रिलेटिव प्रनाउन में हम के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, That. सारे शब्दों का इस्तेमाल हम लोग रिलेटिव प्रनाउन के रूप में करते हैं। देखिए एक एग्जांपल रिलेटिव प्रनाउन का मैं दे रहा हूं, द बॉय हैज जस्ट सेंटेंस में देखिए द बॉय, द बॉय में बॉय नाउन है, तो इस बॉय के लिए हु सब का जो इस्तेमाल हुआ है, तो यहां हु का मतलब यहां कौन नहीं हो रहा, हु यहां रिलेटिव प्रनाउन के रूप, द बॉय हु हैज जस्ट एंटर्ड द रूम इज, लड़का जो, यहाँ हु का मतलब क्या हो रहा है, जो लड़का जो अभी अभी इस कच में प्रवेश कर चुका है, तो यहाँ जो हु का इस्तेमाल हम लोग किस रूप, यहाँ लेटी पर, लेटी पर मैं बताऊंगा कहाँ हु इस्तेमाल करेंगे, कहाँ हुई, कहाँ हुई, कहाँ हुम और कहाँ दैट इस्तेमाल करेंगे बाद में, पहले एटलीस्ट आप समझ जाइए प्रनाउन कितने तरह के होते हैं और इन सभी प्रनाउन के लिए कौन कौन से वर्ड्स का हम लोग नेटिव प्रनाउन हो गया। नेक्स्ट वन इज नेटिव, इंट्रोगेटिव शब्द इंट्रोगेशन का है, इंट्रोगेशन का मतलब आप सब, इंट्रोगेशन का मतलब, तो इंट्रोगेटिव प्रनाउन के रूप में भी हम लोग
सारे शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन सारे शब्दों के बाद हम लोग मार्क लगता है लास्ट में मार्क लगता है, क्योंकि फर्स्ट पूछ के हम लोग करते हैं। ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हुए। प्रोनाउन थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, जैसे कहाँ रिलेटिव प्रोनाउन, बेसिकली हम लोग को जानना है सेंटेंस में आते हैं प्रोनाउन से, एक तो पर्सनल प्रोनाउन से आते हैं उसका जितने पर से, ये हमको समझना है। जैसे मैंने बताया ईट का इस्तेमाल हम लोग पर्सनल और कहाँ इम्पर्सनल में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है जितने भी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि सेम शब्द का इस्तेमाल हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल, सारे का हम लोग यूजेस नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे होपफुली। और जितना भी ये सारे बेसिक्स और नेक्स्ट क्लास में भी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है, सारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चंस जैसे मैंने बताया टॉपिक्स आते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास में इतना ही। होपफुली आप मैं जितना भी आया हूँ ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। तो यह मैं क्लास में ये कोशिश कर रहा हूँ पूरा बेसिक से लेकर आपको हाई लेवल तक जाऊँगा। तो आज जितना भी मैं बताया थोड़ा पूरा बेसिक बताया हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर हम लोग भरेंगे राइट, ठीक है। तो आप देखिएगा कि क्यों और ये फंडामेंटल से क्यों, तो अप्लाइड ग्रामर्स का जितने भी पोर्शंस में पढ़ा हूँ ये जस्ट लाइक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट से सब मैं अगर लिखा दूंगा, डेफिनेशन बता दूंगा, आप लिख लोगे किताब में भी पढ़े हुए, बट वो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, वो आपका पर्पस को सॉल्व नहीं कर। ये आपको समझना है, ये कॉन्सेप्ट को समझना है और इसको समझ के आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना का अल्टीमेट गोल यही है। जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझे, कॉन्सेप्ट को अगर आप लैक कीजिएगा तो प्रॉब्लम नहीं बनता। ईट अगर कौन सा भाई इम्पर्सनल है कौन सा पर्सनल, अगर आप समझ में आएगा तो आप दिक्कत होगा, कॉमन एरर आप कर नहीं पाए। तो अच्छा से देखिए और कोई भी डाउट्स होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ISO 2030-6988 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपना प्रॉब्लम्स आप भेज सकते हैं, कोई भी किसी तरह का डाउट्स हो आप क्वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं करूँगा। गुड नाइट एंड टेक केयर ऑफ योर। थैंक यू वेरी मच।